हेलो एंड वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंकिंग, निफ्ट, रेलवेज या फिर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट भी काफ़ी स्कोरिंग है और इसको एक बार आप याद कर लेंगे तो ये स्टैटिक जीके है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी और बार बार आपको इसको याद करना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको ये पढ़ना है कि किसकी कौन सा प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कभी ये नहीं पूछा जाता है कि इस किस थर्मल प्लांट की या किस न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन तभी पूछा जाता है अगर वो पावर प्लांट कोई न्यूज़ में हो। तो अगर कोई नेसेसरी डिटेल होगी किसी पावर प्लांट की तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में 3 टाइप्स के पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस वीडियो में हम 2 टाइप्स के पावर प्लांट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होंगी वो डायरेक्टली आपके यूट्यूब पेज पे शो हो जाएंगी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिसमें हीट सोर्स होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें एटम स्प्लिट होते हैं और हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे वाटर बॉइल होता है और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्टीम के प्रेशर से टर्बाइंस की ब्लेड मूव होती है, रोटेट होती है। टर्बाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड होता है और लास्टली जो मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर की होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उससे पावर जनरेट हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूल जो इसमें यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो होता है यूरेनियम 92-235। इसमें 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है और 235 यूरेनियम का मास नंबर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही कम एरिया सेटअप के लिए रिक्वायर करते हैं, उसके जो सेटअप का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, बट फिर भी वो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ेंगे और उनके जो स्टेट्स है वो जहाँ पर लोकेटेड है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो ककरा पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो गुजरात में लोकेटेड है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे इंडिया और यूएसए ने मिलकर बनाया है। यूएसए का काफ़ी योगदान रहा है इस तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास इतने फंड या इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो पावर स्टेशन खुद से ही बना ले, इसलिए कोई और कंट्री इंडिया की हेल्प करके उस पावर स्टेशन को बना देती है। तो जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और उसे इंडिया और यूएसए ने मिलकर बनाया है। ऐसे ही कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है और उसे इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। रशिया का इस पावर स्टेशन में योगदान काफ़ी रहा है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पावर प्लांट जो है वो रत्नागिरी में लोकेटेड है, जो कि महाराष्ट्र में है और इसे फ्रांस ने इंडिया की हेल्प करके बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कुंदाकुलम किसकी हेल्प से बना है या फिर जैतापुर किसकी हेल्प से बना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ने हैं, अच्छे से नोट डाउन करने हैं। हो सके तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, के फॉर कैगा एंड के फॉर कर्नाटका, तो ये आपको और इजी रहेगा याद करने में। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कुछ और देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो रावत भट्टा राजस्थान में लोकेटेड है और वो इंडिया और कनाडा ने मिलकर बनाया है। इस वाले पावर प्लांट में कनाडा का काफ़ी योगदान रहा है। गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन हरियाणा में लोकेटेड है और ये गोरखपुर एक शहर है हरियाणा में, तो उसी के नाम पर है। चुटका एटॉमिक पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इंडिया के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गए हैं काफ़ी बार एसएससी एग्जाम्स में कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है। तो ये तो आप इजीली बता ही देंगी कि राजस्थान है, बट कुछ नेम्स ऐसे हैं जिनसे डायरेक्टली आपको पता नहीं लगता है, तो एक बार आप इनको याद कीजिए तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा एग्जाम्स में इनको आंसर देना। अब हम थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे।
थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेट करता है इंडिया में. इसमें कोल, गैस, डीजल ये सब यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पे. फ्यूल इसमें जो यूज़ होता है वो होता है कोल, गैस, डीजल, ये सब फ्यूल यूज़ किया जाता है. और अबाउट 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है इंडिया में वो थर्मल पावर स्टेशंस के थ्रू ही होती है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशंस हैं जिनके स्टेट्स आपको याद रखने हैं. इसमें हमने TPP का मतलब हुआ थर्मल पावर प्लांट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, ये थर्मल पावर प्लांट है. सबसे पहले आता है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट. जो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है वो गुजरात में लोकेटेड है, और गुजरात में एक मुंद्रा एक प्राइवेट पोर्ट का भी नाम है, तो ये उसी के नाम पे है. और ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में लोकेटेड है. जो रन ऑफ कच्छ है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, और वहीं पर मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है. विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. विंध्याचल विंध्या नाम का एक पर्वत है मध्य प्रदेश में, उसी के नाम पर उसका नाम दिया गया है. और विंध्या पर्वत जो है वो सतपुरा पर्वत के नीचे लोकेटेड है, और विंध्या और सतपुरा पर्वत के बीच में से एक नदी बहती है जो इसको नर्मदा नदी बोलते हैं, और वो उस वैली को रिफ्ट वैली भी बोला जाता है. और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो वेस्ट में फ़्लो करती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है. तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. तिरोरा थर्मल पावर प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है. भिलई भी आप इजीली याद कर सकते हैं, भिलई थर्मल पावर प्लांट है वो एक भिलई के नाम से एक स्टील प्लांट भी है, तो मे बी आपको ये इजीली याद हो जाए. भिलई छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर. कोरबा भी छत्तीसगढ़ में ही है. सिपत थर्मल पावर प्लांट भी छत्तीसगढ़ में है. तो ये तीनों देख सकते हैं आप, ये तीनों थर्मल प्लांट ही छत्तीसगढ़ में लोकेटेड हैं. सतपुरा जो है वो मध्य प्रदेश में है. सतपुरा विंध्याचल, अभी आपको बताया कि सतपुरा और विंध्याचल दो पर्वत हैं और उनके बीच में से नर्मदा रिवर बहती है. तो सतपुरा ऊपर है, बीच में नर्मदा रिवर बहती है, और फिर विंध्या माउंटेन्स है. तो ये तीनों एक ही लाइन में हैं, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. उकई थर्मल पावर प्लांट जो है वो गुजरात में लोकेटेड है. फिर नेक्स्ट थर्मल प्लांट एक और गुजरात का है, वो है सिक्का. तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट ये उड़ीसा में है. तलचर नाम का एक नेशनल पार्क भी है, आप हमारी नेशनल पार्क की वीडियो देख सकते हैं, उसमें तलचर नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है. तो वो उड़ीसा में लोकेटेड है. हीराकुंड थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी उड़ीसा में लोकेटेड है, और वो महानदी रिवर पे बनाया गया है. महानदी रिवर भी उड़ीसा की है, और तो उसी पे ये डैम है, और ये हाईएस्ट डैम भी कहलाया जाता है. तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है. बोकारो एक स्टील प्लांट भी है, और ये थर्मल पावर प्लांट भी है, तो ये झारखंड में लोकेटेड है. दुर्गापुर जो है थर्मल पावर प्लांट वो आप बता सकते हैं इजली, वेस्ट बंगाल में है. रिहान थर्मल पावर प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश में है. रिहान एक नदी का भी नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उसी के नाम पर ये थर्मल पावर प्लांट है. सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट भी उत्तर प्रदेश में है. अनपरा भी उत्तर प्रदेश में है. ओबरा थर्मल पावर प्लांट भी उत्तर प्रदेश में ही है. रोज़ा भी उत्तर प्रदेश में है. छाबरा है वो राजस्थान में है, ये भी एक नदी के नाम पे ही बनाया गया है. तो एक नदी का नाम है छाबरा, और एक डैम भी बनाया गया है छाबरा के नाम से. तो ये कई नाम ऐसे हैं जो आपको ईजिली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, क्योंकि उसी के नाम पे कई डैम, कई रिवर्स या कुछ और बनाया जाता है, नेशनल पार्क वगैरह कुछ भी उनके नाम से है. तो आपको ये ईजी हो जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लें. पनकी थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है. उडुपी कर्नाटका में. बिलेरी थर्मल पावर प्लांट कर्नाटका में लोकेटेड है. मित्तूर जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है. बरौनी एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो बिहार में है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है. ये थर्मल पावर प्लांट बिहार में लोकेटेड है. तो ये था ऑल अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर स्टेशंस. तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, होप कि आपको कुछ समझ में आया हुआ गया हो. और ये जो स्टैटिक जीके है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए. अगर आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो ये आपके लिए लाइफ टाइम रहेगी, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर आ जाते हैं. तो आप इसको एक बार पढ़िए, पॉज कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, उससे आपको ईजी रहेगा.
अभी कमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स में इनकी स्टैटिक जीके का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जाते भी हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे दीजिए, उससे हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। हमारी ईमेल आईडी है tutorialstudy@gmail.com, YouTube चैनल इज स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, एंड दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंकिंग निफ्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स और लाइक कीजिए हमारी वीडियो, और प्लीज़ देखते रहिए। सो थैंक यू।